press the bell icon on the YouTube app and never मुसलमान नहीं हुए, ये तो पक्के मुसलमान नहीं हुए। और इसका मतलब है कि इसमें स्ट्रेटजी है। हाँ बिल्कुल स्ट्रेटजी है और साजिश है। और आप सोचिए कि आपको अपनी रोजी रोटी कमाने के लिए, अपने घर में सबको खाना खिलाने के लिए हिंदू देवी देवताओं के नाम का इस्तेमाल करना पड़ रहा है, तो इससे ज्यादा शर्म की बात आपके लिए क्या हो सकती है? यानी कि आपको अपने मुसलमान होने पर नाज ही नहीं है क्या? आप नाम छिपाते फिर रहे हैं, बोर्ड से नाम लिखाने से परहेज है आपको। और ताज्जुब की बात यह है नाजिया जी कि जब हम वो वीडियो देखते हैं कि रोटियों में थूक लगाया जा रहा है, रस को चाट चाट कर पैकेट में डाला जा रहा है, बिस्किट चाट चाट कर रखे जा रहे हैं, खाने की चीजों में थूक डाला जा रहा है, तो ये वीडियो सामने आते तब तो ओवैसी टाइप लोग कुछ नहीं बोलते, तब ये मदनी टाइप लोग कुछ नहीं बोलते, तब क्यों नहीं कहते कि गलत है? तब उनको ये सब कुछ जायज लगता है। लेकिन आज अगर ये कहा जा रहा है कि भाई उनके होटलों के बाहर नाम वो लिखे जाए जो उनके असली नाम है, तो इन सबके पेट में दर्द हो रहा है। देखिए सबसे पहले तो मैं बताऊं कि कल मैंने एक ट्वीट किया था जिसमें मैंने ये बताया, ईरान का एक इस्लामिक कानून के हिसाब से एक बच्चा अपने घर में अजान के वक्त में गाना सुन रहा था तो उसका सर कलम कर दिया गया बीच महफिल में खड़ा करके। मैंने ट्वीट किया और मैंने उसमें लिखा कि अवेसी साहब, मदनी साहब, मेरी आपसे इल्तिजा है, रिक्वेस्ट है, गुजारिश है कि यही वाला। सभी को जय हिंद दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है इंडिया इज भारत पे। आशा करता हूँ कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम आपके लिए एक लेटेस्ट इंटरेस्टिंग और दमदार वीडियो लेकर आए जिसमें आप देखेंगे, जैसे कि आप जानते हैं कि योगी आदित्यनाथ का एक धमाकेदार फैसला आया जिसने पूरे देश में हल्ला मचा दिया, तो इसी पे आप देखेंगे भारत की बेटी और सुप्रीम कोर्ट की दबंग वकील नाजिया अली खान जी का दमदार और बेबाक रिएक्शन। तो ये वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होगी, आपको बहुत कुछ जानने को मिलेगा, तो इसे अंत तक देखें। और चैनल पे नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हम आपके लिए लेटेस्ट इंटरेस्टिंग और नॉलेजेबल वीडियोस लाते रहें। तो चलिए पहले ये वीडियो देखते हैं और अंत में इसके बारे में बात करेंगे। जय हिंद, जय भारत। इस्लाम के हिसाब से अगर मैं मंदिर जाती हूँ तो मेरे लिए बहुत सारे लोग गालियां परोसते हैं ना, ये तो मुसलमान ही नहीं है, ये तो अब इस्लाम से ही काफिल हो चुकी है, इसको तो हम मुसलमान ही नहीं मानते हैं क्योंकि ये तो जाकर के मंदिर में माथा टेकती है, ये पूजा करती है। तो वो सारे रेड़े वाले, वो सारे ठेला वाले, वो सारे ढाबा वाले, वो सारे रेस्टोरेंट वाले, वो सारे फल वाले जो हिंदू देवी देवताओं का नाम रखे हैं और अपने अपने दुकान और ठेले पर हिंदू देवी देवताओं की पूजा कर रहे हैं, करवा रहे हैं, फूल चढ़ा रहे हैं और उनका फोटो रख रहे हैं, तो ये तो सब हो गए इस्लाम से गाफिल। इन सब पर फतवा जारी हो जाना चाहिए। पर आज देखिए नेशनल न्यूज पर इनको बचाने की बात हो रही है, इसका मतलब है कि इसके पीछे स्ट्रेटेजी है, कोई ना कोई साजिश है ना। नाजिया जाती है मंदिर तो नाजिया इस्लाम से गाफिल हो जाती है, नाजिया संवैधानिक बात करती है तो नाजिया मुसलमान नहीं रह जाती है, नाजिया को गालियां परोसी जाती हैं। और वही यही लोग जो आज अपने ढाबा का नाम, अपने अपने ठेले का नाम और देवी देवताओं की पूजा भी कर रहे हैं, फोटो भी रख रहे हैं, उसमें फूल भी चढ़ा रहे हैं, तो ये भी तो मुसलमान नहीं हुए, ये तो पक्के मुसलमान नहीं हुए। और इसका मतलब है कि इसमें स्ट्रेटेजी है। हाँ बिल्कुल स्ट्रेटेजी है और साजिश है। और आप सोचिए कि आपको अपनी रोजी रोटी कमाने के लिए, अपने घर में सबको खाना खिलाने के लिए हिंदू देवी देवताओं के नाम का इस्तेमाल करना पड़ रहा है, तो इससे ज्यादा शर्म की बात आपके लिए क्या हो सकती है? यानी कि आपको अपने मुसलमान होने पर नाज ही नहीं है कि आप नाम छिपाते फिर रहे हैं, बोर्ड से नाम लिखाने से परहेज है आपको। और ताज्जुब की बात यह है नाजिया जी कि जब हम वो वीडियो देखते हैं कि रोटियों में थूक लगाया जा रहा है, रस को चाट चाट कर पैकेट में डाला जा रहा है, बिस्किट चाट चाट कर रखे जा रहे हैं, खाने की चीजों में थूक डाला जा रहा है, तो ये वीडियो सामने आते तब तो ओवैसी टाइप लोग कुछ नहीं बोलते, तब ये मदनी टाइप लोग कुछ नहीं बोलते, तब क्यों नहीं कहते कि गलत है? तब उनको ये सब कुछ जायज लगता है। लेकिन आज अगर ये कहा जा रहा है कि भाई उनके होटलों के बाहर नाम वो लिखे जाए जो उनके असली नाम है, तो इन सबके पेट में दर्द हो रहा है। देखिए सबसे पहले तो मैं बताऊं कि कल मैंने एक ट्वीट किया था जिसमें मैंने ये बताया, ईरान का एक इस्लामिक कानून के हिसाब से एक बच्चा अपने घर में अजान के वक्त में गाना सुन रहा था तो उसका सर कलम कर दिया गया बीच महफिल में खड़ा करके। मैंने ट्वीट किया और मैंने उसमें लिखा कि अवेसी साहब, मदनी साहब, मेरी आपसे इल्तिजा है, रिक्वेस्ट है, गुजारिश है कि यही वाला जो ओरिजिनल अल कुरान से शरिया कानून है, इस्लामिक कानून है, इसको इंप्लीमेंट कर दीजिए। ये आधा अधूरा चिटिंगबाजी वाला शरिया कानून जो है वो जिन्ना और ब्रिटिश वाला मत लगाइए, ओरिजिनल अल कुरान वाला शरिया कानून इंप्लीमेंट कर दीजिए भारत में, ठीक है। उसमें सारे मुसलमानों ने मुझे लिखा है कि हाँ हाँ हाँ, सब पर कानून ये लागू होना चाहिए, हिंदुओं पर भी होना चाहिए। भाई हिंदू कहाँ कह रहे हैं कि वो अपने अपने धर्म के कानून के हिसाब से चलेंगे। आपका एक आता था मनु सिंह भी, शायद आता था,
मुझे सही से नाम नहीं पता है, तो उसको तो हटा दिया गया, और आप लोग संविधान के हिसाब से चल रहे हैं। देखिए, नासर खान जब बलात्कार करता है तब असदुद्दीन अवैसी कुछ नहीं बोलता है, लारा भाषमी जब गला रहता है तब असदुद्दीन अवैसी कुछ नहीं बोलता है, बुरहान जब कश्मीर में आतंक फैलाता है तब असदुद्दीन अवैसी कुछ नहीं बोलता है, याकूब मेमन जब बॉम्ब ब्लास्ट करता है तब असदुद्दीन अवैसी कुछ नहीं बोलता है, अफजल गुरु जब पार्लियामेंट अटैक करता है तो उसके फेवर में बात करता है, सारे बलात्कारियों के पक्ष में असदुद्दीन अवैसी खड़ा होता है, सारे क्रिमिनल और टेररिस्ट के पक्ष में असदुद्दीन अवैसी खड़ा होता है। आपने असदुद्दीन अवैसी के जुबान से कभी भी, या मदनी के जुबान से या तौकीर के जुबान से कभी भी यासीन मलिक को अब फांसी हो जानी चाहिए यह सुना है? बिल्कुल नहीं सुना है। तो उसी तरीके से ये लोग एक तरफा स्ट्रैटेजिकली जो राजनीति करते आए हैं ये उसी को बढ़ावा देने की कोशिश कर रहे हैं, और ये आज से नहीं चल रहा, ये पूरे देश में चल रहा है। आप बंगाल आइएगा और बंगाल में आप मेरे साथ मेरी गाड़ी में जब आप कोलाघाट की तरफ जाइएगा, बहुत सारे मुसलमान हैं जिन्होंने अपने नाम, अपने ढाबे का नाम शेरे पंजाब ढाबा रखा हुआ है, जिन्होंने अपने ढाबे का नाम गणेश ढाबा रखा हुआ है, शिव ढाबा रखा हुआ है, माँ काली माँ दुर्गा ढाबा रखा हुआ है, लेकिन दाढ़ी वाला जो है वो वहां पर खाना परोस रहा है। और मैं पूछती हूँ खड़े होकर के कि भाई ये आपका ढाबा है ना, आप तो मुसलमान है। नहीं नहीं, ऐसे ही चलेगा। ऐसे क्यों चलेगा? क्योंकि ये स्ट्रैटेजी है, क्योंकि मेजॉरिटी जो है वो हिंदुओं की है, उससे कारोबार बढ़ रहा है, और दूसरी चीज है कि हिंदुओं को हलाल खिला रहे हैं और हिंदुओं के साथ थूक जिहाद पूरा कंप्लीट कर पा रहे हैं, ये स्ट्रैटेजी है। क्या अंजू जी हमने नहीं देखा कि पेशाब तक मिला करके हिंदुओं को खाना परोसा गया है? हमने नहीं देखा है? हमने देखा इस बात को। क्या हमने नहीं देखा है कि जिस बर्तन से वजू किया गया है उसी बर्तन से सोडा सिकंजी बना करके हिंदुओं को खिलाया गया है? हमने तो देखा है, हमने तो इन चीजों को देखा है। तो इससे दो चीजें मुसलमान कर रहे हैं, एक हिंदुओं की आस्था को ठेस पहुंचा रहे हैं, हिंदुओं के धर्म को ठेस पहुंचा रहे हैं, हिंदुओं के देवी देवताओं की तस्वीरों का मिसयूज कर रहे हैं, इम्परसोनेशन कर रहे हैं अपने नाम को चेंज करके, और लोगों को धोखाधड़ी करके हिंदुओं के धर्म को मिसलीड और मिसयूज करके अपना कारोबार भी बढ़ा रहे हैं। और नाजिया जी, सबसे अहम बात ये कि जो ट्वीट किया है ओवैसी ने, इसमें वो लिखते हैं कि इसका मतलब तो ये है कि जो कावड़िए हैं वो मुसलमानों की दुकानों से सामान ना खरीदे, इस तरह की हरकत हो रही है। तो भाई दिक्कत क्या है? कावड़िए जो हैं वो गंगा जल लेकर आते हैं, बहुत पाक और पवित्र काम कर रहे होते हैं। अगर वो किसी ऐसे मान लीजिए ढाबे में चले जाते हैं, अपना कावड़ वहां पर रख देते हैं जिसमें गंगा जल होता है, कोई उसमें कुछ और कर दे, मैं बोलना नहीं चाह रही हूं, कोई और कुछ उसमें कर दे, कोई हरकत कर दे, बवाल हो जाए तो कौन जिम्मेदार होगा? और ये तो अच्छा है ना कि कांवड़ियों को पता रहे कि उनको किस दुकान में जाना है, किस ढाबे में रहना है, किस होटल में रहना है, ताकि कोई बवाल ना हो। ये अगर ये समाप्त हो रही है तो इसमें दिक्कत क्या है? और मैं फिर कहूंगी कि ये ऑर्डर तो सबके लिए है, चाहे ईसाई हो, सिख हो या हिंदू हो, सबको नाम लिखना है, बुराई क्या है? देखिए अंजू जी, सबसे पहले क्या आर्टिकल 14, 19, 21 क्या हिंदुओं के लिए नहीं है? क्या फ्रीडम ऑफ स्पीच अब हिंदुओं का इस देश में बिल्कुल खत्म हो चुका है? क्या फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन हिंदुओं का बिल्कुल खत्म हो चुका है? क्या फ्रीडम ऑफ रिलीजन हिंदुओं का बिल्कुल खत्म हो चुका है? अब इस राष्ट्र में, इस मातृभूमि पर और इस पूरी दुनिया में एकमात्र हिंदू राष्ट्र में वो अपनी आस्था को अच्छे से पालन भी नहीं कर पाएंगे? क्या उनके हाथ इतने बंद चुके हैं, उनकी जुबान इतनी बंद कर देने की कोशिश की जा रही है? अब बात आती है कि ये नहीं बिल्कुल कहा जा रहा है कि मुसलमान के ठेले से या मुसलमान के दुकान पर मत खाओ या मुसलमान के जगह से तुम खरीदो मत, बिल्कुल नहीं कहा जा रहा है। कहा ये जा रहा है कि तुम अपने अपने नाम को आइडेंटिफाई करो और दूसरे धर्मों को मिसयूज मत करो। आज मेरे चैम्बर में जब आप आइएगा तो मेरी डिग्री का फ्रेम आपको मिलेगा, मुझे जो जो ऑफिशियल सर्टिफिकेट मिले हैं वो आपको मिलेगा, मैंने अपनी जिंदगी में जितनी भी डिग्रियां ली हैं अपने एडुकेशन से वो मिलेगा, और अल्लाह के 99 नाम का एक बहुत बड़ा फ्रेम चांदी से लिखा हुआ वो मिलेगा। तो लोगों को समझ में आ गया, और नाजिया इलाही खान मेरा नाम है, इससे लोगों को समझ में आया कि नाजिया मुसलमान है लेकिन 90% हिंदू मेरे क्लाइंट है।
जिनके मैं केसेस देखती हूँ, और 10% मुसलमान महिलाएं मेरी क्लाइंट है जो अपने डोमेस्टिक वायलेंस और अपने हलाला और तलाक वाले केसेस के लिए आती हैं, अपने रेप वाले केसेस के लिए आती हैं। तो अब इसमें क्या है, क्रिस्टल क्लियर है कि नाजिया ने किसी को झूठ नहीं बोला है। बिल्कुल, नाजिया रुद्राक्ष पहनती है, नाजिया कलावा बांधती है, नाजिया बिंदी लगाती है, लेकिन नाजिया ये खड़े होकर के पहले कहती है कि मैं मुसलमान घर की बेटी हूँ, मेरा नाम नाजिया इलाही खान है। अब इसके बाद अगर कोई हिंदू मुझे अपने घर पे थाली परोस करके दे रहा है तो मुझे भी इसमें कोई आपत्ति नहीं है, और अंजू जी आपको भी इसमें कोई आपत्ति नहीं होगी क्योंकि नाजिया ने अपना नाम पहले बता दिया है। यही चीज योगी जी कह रहे हैं कि आप अपना नाम बताओ, आप शिव ढाबा रखो, दिक्कत नहीं है, लेकिन आप अपना नाम क्यों छुपा रहे हो, आप अपनी आइडेंटिफिकेशन क्यों छुपा रहे हो, आप लिखो शिव ढाबा ओनर बाय इरफान, ओनर बाय अब्दुल्ला, ओनर बाय अमीन, ओनर बाय अहमद, ओनर बाय मोहम्मद, ओनर बाय महमूद, आप करो ना, क्या दिक्कत है आपको। आपकी आपका कारोबार अगर भगवान के नाम से ही चल रहा है तो इसमें तो सनातन की जीत है, इसमें तो हिंदू हिंदू धर्म की जीत है, इसमें तो सनातन धर्म के मानने वालों की जीत है। लेकिन आप किसी को धोखा मत दीजिए, आप ओनर बाय लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। तो आशा करता हूँ कि वीडियो को आपने अंत तक देखा होगा, और हमेशा की तरह अंजू पंकज जी और नाजिया इलाही खान जी का ये पूरा डिस्कशन और दमदार इंटरव्यू आपको काफी पसंद आया होगा, और इसमें आपको बहुत कुछ जानने को मिला होगा, जहां पे आपने देखा नाजिया खान जी ने कैसे लव जिहाद से लेकर जो पेशाब जिहाद, जो ये शांति दूत करते हैं, उसको एक्सपोज किया। और जैसे कि नाजिया खान जी ने कहा, मैं उनसे बिल्कुल एग्री करता हूँ, आपका जो भी नाम है, जो भी आपकी पहचान है, आपको उस पर गर्व होना चाहिए। अगर आप काम ईमानदारी से कर रहे हैं, सच्चाई से कर रहे हैं, तो आपको नाम छुपाने की जरूरत नहीं है। आप नाम तभी छुपाते हैं जब आपके दिल में मैल होती है। तो इसके बारे में आपके क्या विचार है, आप अपने विचार हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं, और वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक और शेयर जरूर कर दें, और एक बार फिर चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि हम आपके लेटेस्ट इंटरेस्टिंग और मजेदार वीडियोस लाते रहे। तो चलिए फिर मिलेंगे ऐसी किसी इंपॉर्टेंट और जबरदस्त वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत।